Next is leukocytes, या फिर WBCs. No respiratory pigment. And are thus colorless. These are largest blood cells. These are polymorphonuclear leukocytes. पॉली मतलब बहुत काफी ज्यादा मतलब वन मोर देन वन पॉली मीन्स मोर देन वन मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस के बारे में इसमें डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर है एज डिफरेंट WBCs हैव different shapes of abhi hum karenge shapes of nuclei most of these are amoeboid jis tarah amoeba ke pseudopodia hote hai na aise ye bhi pseudopodia bana ke move kar sakte hai Most of these are amoeboid and thus can leak out of blood capillaries. Blood capillaries se bahar aa sakte. This process is called as diapidesis. This is called as diapidesis. मतलब WBCs का leak out होना blood capillaries में से उसको हम कहते हैं diapidesis. Formed in again red bone marrow. ये नहीं कि ये white bone marrow में बनेंगे नहीं ये भी red bone marrow में ही बनते ठीक है जी Then function क्या है WBCs provide Defense mechanism to our body against foreign antigens या foreign microbes या foreign cells उनके against defense मतलब they provide immunity to our body. Is it okay? So these are the synthesis of WBCs. Leukopolysis. Decrease in number of WBCs below normal.
It is leukocytopenia. Where else? Abnormal increase in number of WBCs. It is simply called as leukemia or blood cancer. This is leukemia or blood cancer. ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बेटा, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर लेस देन आरबीसीज बट मोर देन ब्लड प्लेटलेट्स. या सिंपली leukocytes are lesser than RBCs but more than platelets. Lifespan of WBCs, it is they are short-lived. ये आपकी NCRT में लिखा है. But lifespan अगर हम सही में देखें तो different WBCs range from few weeks to years to whole life. बेटा कुछ WBCs की life जो है वो एक बार बन गए तो वो complete life तक रहते, right? Then average average WBC count adult is, it is 6,000 to 8,000 per cubic millimeter of blood. इतना WBC का count. ठीक है जी. उसके बाद है classification of WBCs. क्या है? ध्यान से पहले सुनो. ए ग्रैन्यूलोसाइट्स और दूसरे है ग्रैन्यूलोसाइट्स. जो ग्रैन्यूलोसाइट्स है दे हैव ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे जैसे ग्रैन्यूल्स सैंड के ग्रैन्यूल्स होते ऐसे है. They have granules which take specific stain. Stain होता है, एक specific colors होते हैं, green stain, brown stain, red stain, इस तरह से neutral stain, की acidic stain, ये. जबकि A granulocytes lack any granules.
जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स है ये आगे दो टाइप की मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है ये फर्दर तीन टाइप के है, इओसिनोफाइल्स जिनको एसिडोफाइल्स भी कहते हैं, फिर है बेसोफाइल्स। इओसिनोफाइल्स या एसिडोफाइल्स दे टेक एसिडिक स्ट्रेन, बेसोफाइल्स दे टेक बेसिक स्ट्रेन, एंड न्यूट्रोफाइल्स दे टेक न्यूट्रल स्ट्रेन। ठीक है जी, जो न्यूट्रोफाइल्स है दे आर मोस्ट अबंडेंट, 60-65% ऑफ WBCs कौन से है, न्यूट्रोफाइल्स है, जबकि जो बेसोफाइल्स है वो बहुत कम है, लीस्ट इन नंबर है, 0.5-1%। Of WBCs. So most abundant are neutrophils and least abundant जो है वो कौन से है, that is basophiles. Is it right? ठीक है, बाकियों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये दो। वैसे अगर हम थोड़ा सा देख भी लें तो eosinophils 2-3% है। These are 2-3% of all the WBCs. और उसके बाद आ जाते हैं बेटा lymphocytes 20-25%, और ये भी तकरीबन 5-10% जो है वो आ जाते हैं मोनोसाइट्स। सो दिस इज अबाउट द यू नो परसेंटेज। एक चीज और देख लो, जो मोनोसाइट, सबसे पहले लिम्फोसाइट, इट हैज ओवल न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है बेटा लार्जेस्ट WBC है, इसमें किडनी शेप्ड जो है वो न्यूक्लियस है। देन उसके बाद आ जाता है बेटा न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल में अगर आप देखोगे बहुत सारे लोब्स है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, बट ये जो मैं ब्लैक कर रही हूं दीज आर द लोब्स of the nucleus, multi-lobed है, this is neutrophil, ये है monocyte, उसके बाद आ जाता है basophil, it has trilobed nucleus, basophile में
trilobed nucleus है, और एसिटोफाइल में bilobed nucleus. This is acetophyll. लिख लेना दोबारा से, bilobed nucleus, two lobes है, इस तरह भी दिखाया हुआ है. और अगर हम आपकी एनसीईआरटी देखें, इस तरह करके दो लोब्स दिखाया. This is bilobed nucleus. Basophile में trilobed nucleus. Neutrophile में multilobed nucleus. Lymphocyte, monocyte में kidney shaped nucleus and lymphocyte में oval nucleus. बना लो ये फटाफट. यदि ताकि आपको confusion ना हो. Smallest WBC, lymphocyte. Largest, monocyte. Most abundant, neutrophiles. Least abundant, basophiles. ठीक है, ये भी लिख लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इनके फंक्शंस पे. जो इओसिनोफाइल्स है, दीज आर वीक फैगोसाइट्स. मैं अभी बताऊंगी कि फैगोसाइट्स क्या है, बट दीज आर वीक फैगोसाइट्स एंड दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस. And another is, they are functional during allergic reactions. उसके बाद है basophiles. They secrete histamine and serotonin like mast cells. Mast cells बेटा connective tissue में होते हैं. Connective tissue proper में mast cells है. तो mast cells भी histamine and serotonin secrete करते हैं. So they secrete histamine and serotonin, right? Histamine is vaso. Vaso का मतलब blood vessels. Vasodilators मतलब dilates. Dilate का मतलब होता है खुला करना, widens. Dilates और
widens blood vessels. Serotonin इसका opposite है is vasoconstrictor. तो इसलिए दोनों एक साथ नहीं बनते हैं, अलग अलग टाइम पे बनते हैं. ठीक है कि एक टाइम पे अगर वासोडाइलेशन चाहिए है तो वासोडाइलेट हो रही है, खुल रही है. ठीक है, उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स को नॉर्मल लाने के लिए, कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए सीरोटोनिन सिक्रीट हो जाएगा. सो दिस इज वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, दैट इज नैरोस blood vessels. They are functional during allergic reactions. उसके बाद आ जाता है न्यूट्रोफाइल्स. न्यूट्रोफाइल्स जो है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स. ठीक है, दे आर मेनली एक्टिव इन इंफ्लेमेटरी, जहां पर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए. इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की, किसी की. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. उसके बाद है मोनोसाइट्स. दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फैगोसाइट्स. है तो ये बड़े है, बट इन टिश्यूज दे लीक फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज. बीसी लिख रही हूं, बीसी मतलब ब्लड कैपिलरीज, आपने पूरा लिखना है. फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड After reaching in tissues, they fuse to form large phagocytes. बहुत बड़े बड़े phagocytes बना देते हैं, called as, इनको बोल देते हैं मैक्रोफेजेस. और उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स. ये अभी हम डिटेल में करेंगे. अब बात आ जाती है बेटा फैगोसाइटोसिस क्या है. ये लेटर से माइक्रोब है, ये न्यूट्रोफाइल आया इसके पास, इसने इसको घेरा, और इसको डाइजेस्ट एनगल्फ कर लिया. अंदर आ गया एंड देन इट इज डाइजेस्टेड बाय फैगोसाइटिक सेल. दिस इज माइक्रोब, दिस इज लेट अस से न्यूट्रोफाइल.
और एनी फैगोसिटिक सेल. पीसी मतलब फैगोसिटिक सेल, ठीक है. दे ट्रैप इट, एनगल्फ इट एंड डाइजेस्ट द फॉरेन माइक्रोब. दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है. डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन में थोड़ा सा की पॉइंट दे रही हूं. दैट इज ट्रैपिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग, एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग. फॉरेन माइक्रोब इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है. इट इज डन बाय फैगोसाइट्स सच एज न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है जी. तो पहले ये लिखो फिर आगे चलो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स. दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ. When an organism come in contact with pathogens, एक बेटा एक जनरल आर्मी होती है कि कोई आ जाए हमने मार दे, ठीक है. वो है इनेट इम्यूनिटी. बाकी सब जो है वो इनेट इम्यूनिटी करते हैं. ये है कि नहीं, जब कोई एक पैथोजन आएगा फिर उसके अनुसार हमने अपनी आर्मी बनानी है, ठीक है. सो दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सेकेंड इज दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी. देन types of lymphocytes. Lymphocytes आगे दो टाइप के. कौन से दो टाइप के? B lymphocytes and T lymphocytes. जो B lymphocytes है, these are formed and mature in bone marrow. जबकि जो T lymphocytes है, these are formed in bone marrow, BM लिख दिया मैंने, but mature in thymus. Formed and mature in bone marrow, these are formed in bone marrow, but mature in thymus gland. इसलिए thymus gland के कारण इनको टी लिम्फोसाइट्स कह दिया. देन बी लिम्फोसाइट्स होता क्या है? पहले चलो पहले मैं तुम्हें इम्यूनिटी का बताऊं कैसे कि कैसे ये काम करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स. सबसे पहला काम, एक स्टेज पे अगर एक नाटक हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या है? एंट्री ऑफ पैथोजन माइक्रोब इन बॉडी. सबसे पहले ये काम हुआ.
इसके बाद इसके ऊपर क्या हुआ, एक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट्स ने इन पे एक्ट किया, बट ये पैथोजन मरा नहीं। पैथोजन एस्केप्स फ्रॉम फैगोसाइट्स। फिर क्या हुआ बेटा, एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आगे, टी लिम्फोसाइट्स का भी एक टाइप है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ, ये एक्टिवेट हुए, फर्दर दो चीजों को एक्टिवेट किया, बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है किलर टी लिम्फोसाइट्स। बेटा अभी कर लोगे ना, ये नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट ये प्लस टू में बहुत डिटेल में आ जाएगा। अभी मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता दूंगी तो एक रट्टा नहीं आपको मारना पड़ेगा, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, थ्रू ब्लड एंड लिम्फ रीचेस टू साइट ऑफ इंफेक्शन एंड किल फॉरेन एंटीजन्स या माइक्रोब्स, पैथोजन्स। जरूरी नहीं है हमेशा ही ये सक्सेसफुल हो, कई बार नहीं भी होते तो हमें डिजीज हो जाता है, फिर हमें एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है। किलर टी लिम्फोसाइट्स दे देमसेल्व्स रीचेस टू साइट ऑफ इंफेक्शन एंड किल माइक्रोब्स, ये खुद चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये खुद भाग के जा रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं खुद क्यों जाऊं, आई विल सेंड माई आर्मी, वो एंटीबॉडीज को भेजते हैं। इज इट ओके, तो यहां पे लिख लेना इसके साथ ही, मतलब नीचे करके, देयरफॉर टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, CMIS। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS, ठीक है। तो CMIS, AMIS, इज इट ओके, सबको क्लियर है बेटा, ठीक है जी। ये लिख लो, दिस इज अबाउट योर WBCs।